कृष्ण कृष्णारे श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी नाम उपादेश साहित्य प्रकाश भीतर चपचार कृतवान साधु भगवत्पादाय ते नमः। हरे कृष्ण। उस दिन महाराज के जब प्रकट हुए भगत धाम को गए तो पग जी आके बोले महाराज नहीं रहे, भगत धाम को चले गए। तो मैं तो इतना अज्ञ शिष्य हूँ कि पग जी बोलते बोलते रो पड़े और भगवान के जाके प्रणाम किए, रोते रहे इतना रोए कि मैं तभी समझ सका कि एक गुरु के साथ एक शिष्य का क्या संबंध होता है। लेकिन मेरा इतना भी अनुभूति नहीं है। जो गुरु महाराज के साथ संबंध जुड़े हैं, उनके साथ बहुत घनिष्ठ संपर्क है, सभी चीज़ों में गुरु महाराज को आगे रख के कुछ भी सीखना है, पूछना है, वो उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको बहुत दुख होता है। महाराज अभी पूछ नहीं पाएंगे, संग दे नहीं पाएंगे, किससे पूछेंगे अब अपना समस्या। मैं तो इतना अज्ञ शिष्य हूँ कि मुझे रोना भी नहीं आया। शास्त्र में बोला जाता है कि गुरु चला जाता है जब कोई व्यक्ति का, कोई स्त्री का अगर पति चला जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, जैसे विलाप करके रोते हैं, एक शिष्य को वैसा एक गुरु के लिए रोना चाहिए कि वो अभी गुरु का सान्निध्य नहीं पाए पाएंगे बपू शारीरिक, वैसा रोना चाहिए। लेकिन अज्ञों के कारण मैं कुछ कह नहीं पाया। तो कौन जाएंगे दिल्ली सब पड़ा, तो मैं किस हिसाब से जाऊँ। तो पग जी को बोला कि आप चिंता कीजिए, परिस्थिति के हिसाब से, कोई भक्त भी नहीं है, मैं जाऊं या ना जाऊं कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपको जाना चाहिए। तो आप लोग जाइए, मैं यहाँ रहता हूँ, सेवा करने के लिए। मैं ऑनलाइन में गुरु महाराज का गुणगान सब सुना, बहुत सारे भक्त बोल रहे थे, प्रभानंद महाराज और महाराज का एक वयजस्ट शिष्य हैं वो भी बोल रहे थे। जब वो इस्कॉन में ज्वाइन हुए उससे पहले स्नेह क्या होता है और प्यार क्या होता है वो जानते नहीं थे। महाराज का संग पाया, महाराज से स्नेह पाए, जब ऐसा होता है क्या प्यार। एक जन इतना भी अपने को भूल के दूसरे के लिए इतना सेवा कर सकते हैं, खुद को भूल जाते थे लेकिन दूसरे का सबका ध्यान देते थे। अपने शिष्य लोग को कभी शिष्य नहीं मानते थे, वैष्णव मानते थे। आज मैं सुन रहा था अमोघ लीला प्रभु जी से कि बोलते थे, एक जगह पे जा रहे थे, प्रोग्राम था, लौट रहे थे, भूख लग रहा था, तो रास्ते में महाराज पूछे कि महाराज को बोले कि महाराज बहुत से भूख लग रहा है, गाड़ी रखते हैं कुछ प्रसाद का व्यवस्था करते हैं। तो महाराज गाड़ी रोकने के लिए बोले ड्राइवर को, गाड़ी रोक के वो दुकान वाले के पास गया, अपना सन्यासी झोला है, सन्यासी जो दुपट होता है उसको झोला बनाए, उसको मांगे मेरा शिष्य लोग भूखे हैं कुछ खाने के लिए दीजिए। गुरु के लिए शिष्य व्यवस्था करना पड़ता है, गुरु ऐसे हैं शिष्य के लिए क्यों करते हैं ना, वो शिष्य नहीं मानते, ये वैष्णव है, उनका सेवा करना था। जीवे दया नाम रुचि वैष्णव सेवन, हम सुने हैं लेकिन देखें गुरु महाराज के साथ जीवन में वो करते हैं। एक बार कई मीटिंग में गए थे, मीटिंग लंबा चला तो बाहर शिष्य इंतजार कर रहे हैं, महाराज आए, याद आया कि कुछ शिष्य बाहर खड़े हैं, भूखे होंगे, बहुत लंबा चल गया मीटिंग, पूछे कि आप लोग कुछ खाए कि नहीं, महाराज बहुत भूखे हैं,
तो बर्गर ऐसे छोले में लेके आए थे, बर्गर लो ये बर्गर खाओ, सैंडविच सॉरी सॉरी सैंडविच लेके आए, ये सैंडविच लेके खाइए। और अमोक लीला प्रभु जी बोल रहे थे वो शिष्य को शिष्य की तरह नहीं देखते थे। मैं भी सुना हूँ, जीवन में 16 साल में मैं 16-17 साल में 3-4 बार मिला हूँ। कभी किसी शिष्य को बुलाना होते हैं तो हम इतना सीनियर हो जाते हैं कि दूसरे का नाम लेके बुलाते हैं। भूमेश करके बुलाएंगे, वो क्या बुलाते थे अपने शिष्यों को, भूमेश प्रभु। और किसी को संन्यास दिए होंगे तो महाराज करके बुलाते थे। अभी उनका विल में भी लिखे हुए वैष्णव महाराज, महाराज करके संबोधन करते थे, प्रभु करके संबोधन करते थे। गोपाल बोल के गए सबको प्रभु बोलना है, प्रभु बोलते हैं। महाराज इतना विनम्र थे, भक्तों का यूट्यूब में है महाराज का 26 गुण कैसे हैं। इतना विनम्र थे साधारण लोग को भी वो आकृष्ट कर लेते थे। महाराज का प्रकट होने के बाद प्रधानमंत्री जी दुख व्यक्त किए कि कितना हमारा लॉस हुआ है कि एक शुद्ध वैष्णव का संग अभी आगे से नहीं पा पाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वो दुख प्रकाश करके बोलेगी, बहुत दुख हुआ कि इतना सुंदर इतना अच्छा वैष्णव हमारे बीच नहीं रहे, भगवत धाम चले गए। आज मैं सुन रहा था बाबा रामदेव जी बोल रहे थे, गुरु महाराज का गुणगान कर रहे थे कि कितना विनम्र भक्त कितना सुंदर भक्त थे। मैं उनका संग पाके मैं खुद को, मैं उनका ट्रीटमेंट कर रहा था फिर भी मैं खुद को बहुत बड़ा मानता था कि गुरु महाराज का मैं संग पाया हूँ करके। ऐसे शुद्ध भक्त थे, उनका चरित्र उनका निर्मल चरित्र सबको भा जाता था। गुरु महाराज के पास कोई निंदा करने आते थे, महाराज ये भक्त ऐसा है वो भक्त ऐसा है, महाराज क्या बोलते थे, ना मैं बहुत पतित हूँ, उसका मतलब है मैं निंदा नहीं सुनना चाहता हूँ, उससे मैं पतित हूँ। आप जिसका निंदा लेके आए हैं मैं उससे भी पतित हूँ, मैं उनका क्या निंदा सुनूंगा, उनसे तो कम क्वालिटी मेरे पास है। किसी का भी निंदा से नहीं सुनते थे हम, ऐसे बोल देंगे हम किसी का निंदा नहीं सुनते लेकिन हम हमारे पास कोई कंप्लेन लेके आता है, हम बोलो बोलो क्या हुआ क्या हुआ, बोलो ऐसा वो तो ऐसा ही है, आप सही बोले चापलूसी हम करेंगे, वो तो ऐसे ही। वो बोलते थे कि गुरु महाराज क्या बोलते थे, मैं पतित हूँ मैं सुनना नहीं चाहता, अवॉइड कर देते थे, ये मैं सुनना प्रभु जी से मैं सुनना। और सभी का भविष्य शिष्यों लोग का सभी का भविष्य देख लेते थे। एक शिष्य ने एक मंदिर में कुछ लक्ष्मी का हेर फेर हुआ कुछ चुराए, मैं सुना हूँ वैष्णव से, तो उनको पनिशमेंट देने के लिए गुरु महाराज के पास लेके गए, लेकिन वो जानते थे इसके पास क्या क्वालिटी है, उस क्वालिटी को इस्तेमाल किए। गुरु महाराज से मैं एक देखा हूँ कि मैं अगर रिजेक्ट कर दूंगा तो वो चला जाएगा, इस्कॉन में भी नहीं रहेगा, इतना गुस्सा हो जाएंगे वो परिस्थिति में, लेकिन वो कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं, उस प्राणी को उस व्यक्ति को उस शिष्य को संस्था में जुड़ा के रखते हैं, उन ये कला उनको मालूम है। कोई परिस्थिति होता है हम ईगो के वजह से जाओ जाओ जाना है जाओ जिधर भी जाओ कोई बात नहीं है ऐसा बोल के रिजेक्ट कर देते हैं, और किसी को नहीं, कौन कर सकता है, एक दयालु व्यक्ति कर सकता है जिसका दिल बहुत बड़ा है, सबके लिए जगह है।
तो उसको क्या किए, वो कंप्लेन लेके आए थे उनका, उनको क्या कह दिया, एक मंदिर का प्रेसिडेंट बना दिया। और चोरी करने का जो पैसा रखने का जो गुण था ना, उसको क्या किया, उसको प्रेसिडेंट बना दिया। किसी मंदिर का प्रेसिडेंट होता है तो क्या करता है, पैसा बचाता है, ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करता है। और उसको मालूम है चोरी कैसे होता है, तो कोई चोरी करेगा तो तुरंत पकड़ लेगा वो अभी चोरों का सरदार बन जाएगा। तो उसके पास चोर के घर में कब चोरी होता है, कब चोरी नहीं हो पाता है। तो गुरु महाराज उसको उसका जो गुण था संचय वृत्ति को अच्छे से लगाया, और भक्त सुधर गया। और वो जब प्रेसिडेंट बनता है तो कोई गद्दी में नहीं बैठता है, कोई बना है तो उनको पूछ के देखो, इतना प्रेशर रहता है, खाने के लिए टाइम नहीं देते हैं, कलेक्शन मैनेजमेंट, कोई प्रसाद बनाने के लिए नहीं रहेंगे, खुद बनाएंगे। पौजी बनाते हैं, देखे हैं क्यों बनाते हैं, किसको बोले, कोई नहीं बोल बोलेंगे, नहीं करेगा तो थोड़ी भूखे रखेंगे भगवान को, दूसरे भक्त को करना ही पड़ेगा। एक दिन के लिए कोई प्रेसिडेंट बन के देखिए कितना टेंशन होता है, लीडर बन के देखिए। दूसरे को आरोप लगाना बहुत आसान है, ये सेवा नहीं हो रहा है, वो गंदा पड़ा है, ये है वो है वो है, हम तो बोलेंगे लेकिन हम करते नहीं हैं। जो करता है उसको सहयोग भी करेंगे ना, आधा 25% तो पता चलेगा कि एक जिम्मेदार व्यक्ति का, भक्त का कितना जिम्मेदार होता है। वो गुरु महाराज जानते थे कि इसको अगर जिम्मेदारी दे दूंगा ये झुक जाएगा, जितना भी उसके अंदर कलमश है धीरे 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 ये प्रेशर में आते आते भगवान का सेवा करते करते बोछा उठाते उठाते ये पूरा प्योरिफिकेशन हो जाएगा पूरा। वो डाल देते गुरु महाराज उसको। हम गुरु महाराज को, हम ब्रह्मपुर से बिलोंग करते हैं, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के पास है। तो गुरु महाराज को बहुत बार बुलाते थे, गुरु महाराज नियम के पक्के हैं, ऐसा नहीं कि उनका जौन अलग है आप बुला लिए तो ऐसा तुरंत नहीं आ जाएंगे, बाध्य हो के आए कि चलो शिष्य इतना बार 15-20 बार बुलाए तो एक बार आके अटेंड होके खाली चले गए। क्योंकि कोई ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इनका जौन अलग है, यहाँ आके क्यों पिचिंग कर रहे हैं, कोई उंगली नहीं दिखाना चाहिए, मैनेजमेंट में पूरा पक्का। तो एक दिन के लिए आए और महाराज का प्रसाद क्या है कुछ पता नहीं है, हम जैसा उड़िया लोग जैसा प्रसाद बनाते हैं वैसा बना दिए, मसा नॉर्मल प्रसाद, महाराज बॉईल खाते हैं, सब खाते हैं, देखे इतना सब बनाए हैं, थोड़ा 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 चख लिए, कोई कंप्लेन नहीं, जैसा है जो है उसको ग्रहण कर लिया। रहने वाले थे एक दिन, लेकिन भगवान की क्या दया था, अनाउंस हो गया, कोई आके बता दिया कि कल स्ट्राइक होने वाला है सुबह सुबह, आप एयरपोर्ट जा नहीं पाएंगे। तो क्या किए, रात को ही निकल गए, भुवनेश्वर दूर है, 4 घंटा लगता है, तो रात को ही निकल गए। 8-9 बजे प्रसाद पाए, 10 बजे ही फिर रात को ही निकल गए, रह नहीं पाए। आए थे, कीर्तन किए और बहुत लोग खुश थे। चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रवचन दिए थे, बहुत अच्छा सुंदर क्लास था, सब महाराज का संग पाए उस टाइम पे। हम लोग अपना महाराज इतना जिम्मेदारी पदवी में थे, उनका बिल नामा में जब कुछ वीडियो आया था, बिल नामा पढ़ रहे थे कोई भक्त, उनमें बताया कि महाराज खुद का नाम की कोई चीज भी नहीं था उनके पास। वो बोलते हैं ये जो भोपाल जी महाराज घड़ी दिए हैं ये मेरा है, और जो गौ निताई डीटी है वो मेरा है, और कुछ भी नहीं है, और किसको कौन सा चीज देना है वो सब लिख के चले गए थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, पूरा मुक्त, जीवन मुक्त से सोचे थे। जीते जी यहाँ शरीर ये धरधाम में रहते हुए ही वो मुक्त थे पहले से ही। बिलनामा कभी का 1 साल पहले लिखे गए थे, पहले से और एक लिखे थे, अभी पूरा लेटेस्ट लिखे 2023 में दिसंबर में लिखे गए थे।
जीबीसी में और दूसरे दूसरे मंदिर में मैनेजमेंट में कुछ भूल चूक होता था, कभी ऊपर नीचे हो जाता था, तो याद करते थे गुरु महाराज जी को। गुरु महाराज जी को याद करते, गुरु महाराज कुछ नहीं, खाली आके खड़ा होते थे, मीटिंग में अटेंड होते थे, वो अपने आप बीच में बातचीत करके सॉल्व कर देते थे। गुरु महाराज को उसमें समय नहीं देना पड़ता था, खाली उपस्थिति में अभी महाराज आगे अपने को कुछ करना है बोल के वो लोग अपने आप सहन कर लेते थे, समस्या का समाधान हो जाता था। हरे कृष्ण, जय श्री गुरुदेव की जय, जय श्री भगवत पाद गुरु महाराज की जय। इज होलीनेस।